भजन संहिता अध्याय 80। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रैम बिन्यामीन और मनस्से के सामने अपना पराक्रम दिखा कर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तूने हमें हमारे लिए पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाख लता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालते हैं और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। या पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वह जल गई, वह कट गई है, तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है, तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे। तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन।